And once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss our latest question paper of business ethics and corporate governance 2022-23 BCom honors 6th. और ये क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का है, 230 आवर का टाइम है आपके पास। एंड ये इस क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अटैम्प्ट करने हैं, 8 out of 8 क्वेश्चन। एंड सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन इट। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो आपके पास 6 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स ईच, 18 मार्क्स के आपका ये पेपर हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, नॉर्मल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये भी नॉर्मल है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंस, वे भी नॉर्मल है। कोड ऑफ एथिक्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। 4 पिलर्स भी आपको पता होंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो डू यू थिंक सेलिब्रिटी एडवर्टाइज मिसलीड पब्लिक या जस्टिफाई योर आंसर, ये तो थोड़ा वैसा है बट ठीक है, आ सकता है आपको, ठीक है। व्हाट इज़ द यूटिलिटेरियन व्यू ऑन बिजनेस एथिक, ये भी इजी है। डिफाइन कॉर्पोरेट गवर्नमेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे और काफ़ी ईजी थे और काफ़ी मतलब हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे और ईजी पेपर था, ठीक है। सेक्शन बी में हमारा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि है 13 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो कि आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो वीडियो को आगे करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द एथिकल इशूज़ विद कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया, ये भी ईजी है। वट आर द मेजर एरियाज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट टाइप ऑफ बोर्ड ऑफ कमेटीज आर देयर एंड देयर फंक्शंस, ये भी ईजी क्वेश्चन है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स थ्योरीज, बिजनेस की एथिक्स की थ्योरी कितनी सारी है वो डिफरेंट टाइप की आपको लिखनी है। वट इज़ द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बोर्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स, ये भी ईजी है। एक्सप्लेन क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट्स इन, ये भी ईजी है। What does global reporting investigatives tell us about corporate sustainability? Explain it. What are the ethical issues in intellectual property rights? So, ये सारे questions थे और अच्छे question थे, आप सब इनको attempt कर सकते हो। I hope ये paper आपके थोड़े से भी helpful होगा। अगर थोड़ा सा भी helpful है तो please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you for watching. Bye bye.